सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो मनरेगा का कार्य चलता है तो उसका जो पेमेंट आता है उसको हम कैसे चेक करेंगे, और ये भी जानेंगे कि जॉब कार्ड कितने लोगों का हमारे ग्राम सभा में बना है वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए सिंपली इस साइट को अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना। मैंने ऑलरेडी ही कर लिया है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे कई सारे स्टेट आ जाएंगे, जो भी स्टेट है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस तो होगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट ऑलरेडी आपका दिया रहेगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर का आप देखना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 22-23 का करना है। और उसके नीचे हमें डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, तो चलिए डिस्ट्रिक्ट अपना ले लेते हैं। उसके नीचे सिलेक्ट ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, तो सिलेक्ट ब्लॉक कर लेंगे। उसके नीचे पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो पंचायत अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर जो R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन के अंदर फोर्थ नंबर पर जो जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर वाले पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है उनका जॉब कार्ड संख्या यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा, और उन लोगों का नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आपको यहाँ पे नाम फाइंड करना है किसी का, तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, उसके बाद फाइंड यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए मुझे फाइंड नहीं करना है। जिस व्यक्ति का भी आपको पेमेंट देखना है, जो जॉब कार्ड संख्या लिखी हुई है उसके सामने, सिंपली उस पर ओके कर देना है आपको। उसके बाद आपकी डिटेल इस प्रकार से आ जाएगी, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना है, थोड़ा और चले आना है, मुझे लास्ट का देखना है। आप चाहें तो पहले ऊपर का भी देख सकते हैं, थोड़ा और मैं नीचे करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने PMAY हाउस फॉर इंडिविजुअल्स करके जो वर्क था इसमें वर्क किया है, इन्होंने कार्य किया है। तो सिंपली अगर इसमें देखना है तो आपको इस पर ओके कर देना है। तो चलिए इस पर हम ज़रा ओके करते हैं। उसके बाद ऐसा इंटरफेस तो हो जाएगा आपके सामने, तो थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे जो थोड़ा नंबर टाइप में दिख रहे हैं आपको, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, इस वाले नंबरों पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस तो हो जाएगा आपके सामने, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, थोड़ा और करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कुल हाजिरी कितनी है, कितने दिनों इन्होंने कार्य किया है, और एक दिन की इनकी जो मजदूरी है वो कितनी है, और ये इनका पूरा टोटल पेमेंट कितना हुआ है, और कितनी तारीख को इनको पैसा इनके अकाउंट में आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने ग्राम सभा का जॉब कार्ड की लिस्ट और उनके मनरेगा का जो पेमेंट है आया है या नहीं, बड़े ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इस प्रकार अगर आप दूसरे व्यक्ति का भी देखना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आप उनका भी देख सकते हैं। ये साइट काफ़ी ज़्यादातर बिजी रहती है, लेकिन अगर आप एक दो बार इसको ट्राई करेंगे तो आप अपने ग्राम सभा का मनरेगा का जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनका पेमेंट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।